नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। 25 जून 1975 ये वो दिन था जब देश की तत्कालीन इंदिरा सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा की थी। इस आपातकाल में सबकी अपनी अपनी करुण कहानी है, पर भाजपा लंबे समय से इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाती है। भाजपा द्वारा ये काला दिवस कल अलग अलग जगहों पर मनाया गया और उस समय के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। अगर बात राजधानी लखनऊ की करें तो यहां भाजपा द्वारा सहकारिता भवन में आपातकाल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश भाजपा द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान करते हुए इस दिन को ना भूलने और काला दिवस के रूप में मनाने की बात की गई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी, एमएलसी रामचंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आज 25 जून है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर काला दिवस मना रही है। 25 जून 1975 को कांग्रेस पार्टी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी, आपातकाल लगाने का काम किया था, नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे, प्रेस की आज़ादी का गला घोट दिया गया था और जेल में विपक्षी नेताओं को ठूंस दिया गया था। जेल के अंदर उन्हें पुलिस द्वारा विभिन्न यातनाएं दी जा रही थी, लाठी डंडों से पीटा तो जाना छोटी बात थी, बेलन चढ़ा दिए गए थे, शरीर को पूरी तरह से काट पीट दिया गया था, प्लास से नाखून निकाल लिए गए थे। आज भी जब हम लोकतंत्र सेनानियों से उनकी पीड़ा सुनते हैं तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने कृत्यों के लिए लगातार माफी मांगनी चाहिए, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा इमरजेंसी के लिए। इस मौके पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने एमएलसी रामचंद्र प्रधान से खास बातचीत की। आज 25 जून है आपातकाल दिवस, यहाँ पर बीजेपी मना रही है काला दिवस के रूप में, क्योंकि आज से 25 जून 1975 में यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी और बीजेपी फिलहाल इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। आज भी कार्यक्रम किया गया और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी रामचंद्र प्रधान, जाने क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। देखिए, आज का दिन भारत के इतिहास में काला धब्बा है और इस काले धब्बे को काला दिवस के रूप में पूरा देश के जितने लोकतंत्र के सेनानी और जो लोग हैं वो सब मनाने का काम करते हैं। आज के दिन 1975 में जो उस समय की निवर्तमान सरकार, जो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जिसकी मुखिया इंदिरा जी होती थी, उन्हीं ने लोगों के लोकतंत्र का हनन किया था, संविधान का मखौल उड़ा करके यहाँ पर एक इमरजेंसी लागू की और उस इमरजेंसी के तहत तमाम लोगों को जेलों में ठूस दिया गया और उसके खिलाफ जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, उस सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया और पूरा मनमानी तरीके से लोकतंत्र का और संविधान का मखौल उड़ाया गया। तो तमाम ऐसे आज नौजवान नवयुवक पीढ़ी है जो आज तमाम यहाँ पर मौजूद है लोग आए, ऐसे लोगों का जो लोकतंत्र के सेनानी थे, उन सेनानियों का हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी द्वारा उनको सम्मानित करने का काम किया गया और ख़ासकर उस नवयुवक पीढ़ी को ये बताने की ज़रूरत है, बताना चाहिए कि उनको भी पता चले कि इसी कांग्रेस ने, जिस कांग्रेस ने हमेशा संविधान का मखौल उड़ाया, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, संविधान को संशोधन करने तमाम ऐसे संशोधन किए, इसी देश में चुनी हुई सरकारों को सैकड़ों बार उन्होंने बर्खास्त किया, ऐसी सरकार जिनकी रही, जो ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने 2024 के चुनाव में एक लोगों को भ्रमित करके, झूठ और भ्रम फैला करके आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के ऊपर ये आरोप लगाया कि देश का संविधान बदलना चाहते, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंचों पे भी और खुले तौर पर वो कहते हैं क्योंकि देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चलेगा, क्योंकि तो उसका भी पर्दाफाश करने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। एक सवाल रहेगा, सत्र शुरू हो चुका है, हल्ला बोल हो रहा है, विपक्ष यहाँ पर एकजुट होकर सरकार के नाक में दम करने की तैयारी कर चुका है, कैसे देखते हैं? देखिए, उनके पास न कोई नीति है न कोई नियत है,
उनका सिर्फ उनकी नीयत है कि किसी तरह से लोगों में भ्रम पैदा करना, गुमराह करना और झूठ फैला करके लोगों को भ्रमित करना, देश की जनता को भ्रमित करने का काम आज तक कांग्रेस करती आई, संविधान का मखौल उड़ाते आई, वही उनका इरादा है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के MLC रामचंद्र प्रधान का कहना है कि जो आपातकाल है इसको हम काले दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन तमाम मर्यादाओं को, सभ्यताओं को, संस्कृति का यहाँ पर हनन किया गया था, लोगों को जिस तरह से वहाँ पर यातनाएं दी गई थी सबको याद है। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इसको काले दिवस में मनाकर यहाँ पर लोगों तक पहुँचा रही है, आमजनता पहुँचा रही है, युवाओं तक पहुँचा रही है कि वहाँ पर किस तरह की यात्राएं उस समय की कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों को दी गई थी। खैर, यहाँ पर काला दिवस मनाया गया, आगे भी तमाम तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, पर यहाँ पर बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये भी है कि इन जो लोकतंत्र सेनानी थे उनको यहाँ पर कितना लाभ मिला है जब से BJP सरकार आ रही है, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा। वहीं भाजपा द्वारा काला दिवस के रूप में मनाने और कांग्रेस को लगातार कटाक्ष करने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री CP राय से हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने खास चर्चा की। BJP 25 जून को काला दिवस मना रही है, आपातकाल जो 25 जून 1975 में लगाया गया था, और आज BJP तमाम कार्यक्रम किए इसी को लेकर। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, ऊर्जावान नेता, जो बताएंगे, जिनको जानकारी भी, अनुभव भी है उस समय की और आज जो BJP काला दिवस मना रही है उस पर उनकी क्या राय है। मुझे लगता है कि BJP को थोड़ा पीछे से शुरू करना चाहिए, उसको काला दिवस मनाना चाहिए अपनी उस गद्दारी के लिए जो उनके पुरखों ने की थी आज़ादी की लड़ाई से। जब सुभाष चंद्र बोस सेना बना रहे थे तो सावरकर कह रहा था और गोलोलकर कह रहे थे कि अंग्रेजों की सेना में शामिल होना चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों को सुभाष की सेना में शामिल नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ मुखबरी किसने की, उसमें सवालों के घेरे में RSS। भगत सिंह के खिलाफ गवाही किसने दी, उसमें सवालों के घेरे में RSS। आज़ादी की लड़ाई के समय गोलवलकर ने कहा था कि अगर ऐसी आज़ादी मिलनी है जिसको महिलाओं और दलितों को बराबर अधिकार मिलना है तो उससे अच्छा मुझे 100 साल की गुलामी मंजूर है। तो आज़ादी की लड़ाई के पीठ में जो छुरा भोंका इन्होंने वर्षों तक, इनको उस पर कभी काला दिवस मनाना चाहिए, उस पर अफसोस करना चाहिए, उस पर शर्म करना चाहिए और शर्म दिवस मनाना चाहिए। जहाँ तक आपातकाल का सवाल है, आपातकाल लगा था, कोई मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं था आपातकाल में, उस आंदोलन में भी था मैं, जयप्रकाश के आंदोलन में भी था मैं। लेकिन आपातकाल में लोग घड़ी देख करके ट्रेन पकड़ने नहीं जाते थे, ट्रेन की सीटी जो सुनाई पड़ती थी तो घड़ी मिला लेते थे, सुबह 10 बजे दफ्तर में बैठे लोग मिलते थे, भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं था। जितनी सड़कें आपको सारे शहरों की चौड़ी दिखाई पड़ रही हैं, ये एक तिहाई पतली पतली गलियों जैसी थी, ये सारी सड़कें तभी चौड़ी हुई हैं। जितने आपको शहरों में जगह जगह पेड़ पूरे बड़े लगे दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब आपातकाल के लगाए हुए हैं। आपातकाल में क्या था, उन्होंने कहा कि काम ज़्यादा बातें कम। हाँ, एक नसबंदी जरूर हुई थी जिसका बहुत बड़ा विरोध RSS के लोगों ने किया था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा देश को बड़ी आबादी के रूप में, इन्होंने ही विरोध किया था। और अब वो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। अगर उनको शर्म दिवस मनाना है तो शर्म दिवस उस दिन मनाना चाहिए था जिस दिन मणिपुर में हमारी माताओं बहनों को नंगा करके उनके साथ हरकत हो रही थी और पूरी दुनिया देख रही थी कि आदर्श और सिद्धांतों की बात करने वाले भारत में क्या हो रहा है। उनको अगर शर्म आनी चाहिए तो उन पहलवान लड़कियों के समय पहला शर्म आनी चाहिए थी जिनके साथ खींचातानी हुई थी दिल्ली में और जो उनके आरोप लगे थे। उनको शर्म आनी चाहिए थी हाथरस की लड़की पर, कठुआ की लड़की पर। उनको शर्म अगर आनी है और अगर उनको शर्म दिवस कोई मनाना है, निंदा करनी है, तो उस 6-7 हज़ार वर्ग मील जमीन के मामले में निंदा करनी चाहिए जो इनकी सरकार में चीन ने कब्जा कर लिया है। उनको शर्म आनी चाहिए कि सारे प्रधानमंत्रियों के समय देश पर कर्जा 54 लाख करोड़ था, वो बढ़ के 210 लाख करोड़ हो गया, देश कर्जदार हो गया है, उनको इस पर शर्म आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को लेके काला दिन बनाना चाहिए उनको, उनको बेरोजगारी पर, उनको महंगाई पर, उनको अपने झूठ पर, असत्य पर, वादा खिलाफी पर, इन सब पर काला दिन मनाते शायद ज़्यादा अच्छा लगता, जनता को लगता कि अपना प्रायश्चित कर रहे हैं। आपातकाल से हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपातकाल में खुद गिरफ्तार हुआ था, मुझे आज उससे कोई शिकायत नहीं है। तो यहाँ पर इनकी राय है कि आपातकाल में उन्होंने स्वयं अनुभव किया है, खुद गिरफ्तार भी हुए, उन्होंने देखा है उस समय आंदोलन क्या था और वो तमाम चीज़ें उन्होंने ये भी बताई कि उस समय क्या क्या घटित हुआ था और क्या क्या देश में परिवर्तन हुआ था। एक लाइन जोड़ देता हूँ, आपातकाल लगा 1975 में, उसको ख़त्म भी किया इंदिरा गांधी ने जो प्रधानमंत्री थे सन 77 में इंदिरा गांधी हार गई, बंगाल से लेकर कश्मीर तक एक भी सीट नहीं आई, मेरे नेता थे राजनारायण जी जिनसे वो हारी थी, उन्हीं के द्वारा राजनीति में लाया गया था।
लेकिन सिर्फ 1.5 साल ही पूरा हुआ था, उसके बाद उसी इंदिरा गांधी और उसी कांग्रेस पार्टी को पूरे देश की जनता 300 ज़्यादा सीटें जिता के ले आई। इसका मतलब जनता ने खुद तय कर दिया कि आपातकाल गलत नहीं था। तो यहाँ पर आपातकाल के बारे में जो राय दी गई बिल्कुल अलग, क्या अनुभव रहा, क्या आंदोलन रहा, किस तरह की उस समय घटनाएं घटित हुई और क्या क्या घटित हुआ यहाँ पर बताया गया। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काला दिवस बनाइए या श्रम दिवस बनाइए या कोई भी आपातकाल बनाइए, वर्तमान स्थिति पर अगर गौर करें तो यहाँ पर भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें। जनादेश बढ़ाया है और यहाँ पर काला दिवस और तमाम दिवस मनाते रहिए, पर जनता के लिए भी काम करते रहिए। यहाँ पर दोनों की जिम्मेदारी, चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, यादें बनाए रखिए, संघर्ष करते रहिए और व्यवस्थाओं को संभाले रखिए। कैमरा मैन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीधी भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।